इंटरनेट को आधुनिक मानव इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार कहना कुछ गलत नहीं होगा। दोस्तों, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की ताकत दी है। ऐसा लगता है कि मानो पूरी दुनिया कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन में समा गई है। दोस्तों, आप खुद ही समझ रहे हैं कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम अपने मोबाइल, लैपटॉप आदि पर देख नहीं सकते। आप अपने फोन पर एक क्लिक करके दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी देश में होने वाली किसी भी घटना के बारे में पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि बिना तार के आपके स्मार्टफोन तक इंटरनेट पहुंचता कैसे है? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पूरी बातें डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, हम अधिकतर काम इंटरनेट के उपयोग से करते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि आखिर इंटरनेट कहां से आता है और हम तक पहुंचता कैसे है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंटरनेट एक ऐसा जरिया है जिससे हम हर प्रकार की जानकारी बैठे बैठे पा सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो इंटरनेट दुनिया की खोजों में एक अद्वितीय खोज है, क्योंकि आज की दुनिया में इंटरनेट हमारा अभिन्न अंग बन चुका है। यदि हमें कहीं जाना हो या कुछ दवाई लेनी हो या कोई जॉब देखनी हो, मतलब हर प्रकार के काम में हम इंटरनेट का उपयोग तो करते ही करते हैं, भले ही क्यों ना हमें कपड़े ही खरीदने हो या कुछ और बेचना हो। दोस्तों, हम जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी प्रकार के सैटेलाइट या अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यान से नहीं आता है, जबकि ये यंत्र समुद्र के अंदर बिछी ऑप्टिकल केबल से आता है। इस इंटरनेट का लगभग 90% भाग समुद्र के अंदर बिछी हुई ऑप्टिकल फाइबर केबल से आता है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल पतली और लचीलेदार होती है, जो प्लास्टिक और इसके अंदर कई पतले लचीले तार पाए जाते हैं, जिसमें डेटा के आदान प्रदान का कार्य किया जाता है। ये केवल संपूर्ण विश्व में बिछाई हुई होती हैं। दोस्तों, ये ग्लोबल नेटवर्क के रूप में काम करती है। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न तो आ ही रहा होगा कि केबल के जरिए हम तक इंटरनेट किस प्रकार पहुंचता है। तो दोस्तों, अब हम आपको इंटरनेट हम सब तक कैसे पहुंचता है इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इंटरनेट को हमारे मोबाइल तक आने के लिए काफी समय लगता है। दरअसल, समुद्र और महासागर में कई किलोमीटर लंबी केबल बिछाई जाती है और इन्हीं केबल के रास्ते इंटरनेट हम तक पहुंचता है। यानी पानी के अंदर केबल बिछाने की गूगल की परियोजना से जुड़े जेने स्टोवेल बताते हैं कि कई लोगों को लगता है कि इंटरनेट बादलों के रास्ते हम तक पहुंचता है, लेकिन ये गलत है। इंटरनेट छोटे छोटे कोड का समूह है जो समुद्र में बिछी केबल के जरिए हम तक पहुंचता है। बाल से भी पतली तार की मदद से इंटरनेट को पूरी दुनिया में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में बमुश्किल उतना ही समय लगता है जितना आपको एक शब्द पढ़ने में लगता है। दुनिया भर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए महासागरों में करीबन 12,07,000 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई हैं। सबसे पहले फैक्ट्रियों में केबल तारों को इकट्ठा किया जाता है। केबल को कहां बिछाया जाना है इसका ध्यान रखते हुए उसे प्लास्टिक या स्टील के खोल के अंदर ढका जाता है। समुद्र में केबल बिछाने का काम पूरा होने पर डेटा प्रकाश की गति से उन तारों से गुजरकर जमीन पर स्थित नेटवर्क या सैटेलाइट से संपर्क बनाता है। इन्हीं नेटवर्क या सैटेलाइट की मदद से हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। इंटरनेट की केबल को प्राकृतिक आपदा से बचाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। बावजूद इसके पानी के तेज बहाव, भूकंप आदि से उनके क्षतिग्रस्त होने की आशंका रहती है, पर केबल करीब 25 साल तक काम कर सकती है। इसके बाद ये समुद्र में पाए जाने वाले खारे पानी के कारण या किसी दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त होने से खराब होकर टूटने लगती है और फिर इनको रिपेयर किया जाता है। ये ग्लोबल नेटवर्क के रूप में काम करती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1858 में पहली बार अटलांटिक महासागर में बिछाई गई केबल के जरिए अमेरिका व ब्रिटेन को इंटरनेट से जोड़ा गया था। उस वक्त डेटा को ट्रांसमिट होने में करीबन 16 घंटे का समय लग जाता था। उसके बाद के दशकों में तेजी से सैटेलाइट और वायरलेस तकनीकों का विकास हुआ। इनके इस्तेमाल से अब ये सेकंड से भी कम में किसी भी डिवाइस पर डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। तो क्या आपको पता है कि भारत में किस जगह पर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगे हुए हैं? चलिए, हमें कमेंट करके बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानीफाइड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे फेसबुक पेज ज्ञानीफाइड को भी फॉलो कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल दैट, गुड बाय।